नमस्कार, मैं हूं जैनब और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। क्राउड फंडिंग यानी जन सहयोग द्वारा फंड इकट्ठा करना, यह शब्द बहुत नया नहीं है। लोग अक्सर इस शब्द को सुनते रहते होंगे, लेकिन हाल फिलहाल यह शब्द चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि चुनाव लड़ने वाले लोगों ने इसके जरिए अच्छा खासा चंदा इकट्ठा कर लिया है। देश की एक कंपनी आवर डेमोक्रेसी, इन्होंने कुछ ऐसे ही लोगों के लिए धन इकट्ठा करने का काम किया है, जिसमें से कन्हैया कुमार भी एक हैं। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। क्राउडफंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ माह पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा था कि लोग उन्हें धन मुहैया करवाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि केजरीवाल और उनकी टीम ने जब आम आदमी पार्टी बनाई थी, तब भी उन्होंने लोगों से धन इकट्ठा किया था, लेकिन तब में और आज में बहुत कुछ बदल गया है। सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के चंदे से चलती है। सब लोग जानते हैं कि अभी तक हमने जितने चुनाव लड़े आम लोगों के चंदे से लड़े। हम भ्रष्ट अरबपतियों से चंदा लेके नहीं काम करते, आम लोगों के चंदे से चलती है पार्टी। लेकिन अभी तक इसको इतने व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया था, चंदा लेने का काम इतने व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया था। आज जिस तरह से पूरे देश भर से देश के बाहर रहने वाले भारतीयों से आम आदमी पार्टी व्यवस्थित रूप से फॉर्म भरवा के हर महीने चंदा लेने की शुरुआत कर रही है, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल साबित होने वाला है। देश की कई कंपनियां इस समय ऑनलाइन पैसे इकट्ठा कर रही हैं। इसी कड़ी में ourdemocracy.in ने इस बार अब तक 1,40,00,000 रुपए इकट्ठा कर लिए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कन्हैया कुमार को मिले हैं। कन्हैया कुमार को देश के 5,500 लोगों से 70,00,000 रुपए मिल चुके हैं। ऑनलाइन फंड लेने वालों में नागपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नाना पटोले, आपकी अतिशी मार लेना, पश्चिम बंगाल के सीपीआई लीडर मोहम्मद सलीम विशेष रूप से शामिल हैं। चंदा लेकर कोई काम करने का ट्रेंड नया नहीं है। अगर दर्शकों को याद हो तो 70 के दशक में एक फिल्म बनी थी मंथन। वह फिल्म पूरी तरह से श्वेत क्रांति पर आधारित थी। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस क्रियन उसके लेखक थे, जबकि 8 फिल्मों के मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल उसके डायरेक्टर थे। मजे की बात तो यह है कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर गुजरात के 5,00,000 किसान थे। सभी किसानों ने 2-2 रुपया दिया था फिल्म बनाने के लिए। तुम्हारे कष्ट और पीड़ा देखकर मेरा दिल भर आया। आखिर मुझे भी तो तुम्हारे दुख सुख में शामिल होने का हक है। अब जिन जिन के घर जल गए हैं वो दफ्तर में आकर अपना नाम लिखवा दें, उनकी मदद का कोई ना कोई इंतजाम किया जाएगा। और तुम सब बाबू लोगों के बहकावे में आ गए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती हैं, पर हम बड़ों का तो फर्ज यही है कि उसे नजरअंदाज कर दें। चुनाव में क्राउड फंडिंग की शुरुआत मणिपुर की मानवाधिकारी कार्यकर्ता और पीपल्स रिसर्चेस जस्टिस अलायंस पार्टी के संस्थापक इरोम शर्मिला ने 2017 के विधानसभा के दौरान शुरू किया क्राउड फंडिंग के जरिए चंदा लेने का काम। क्राउडफंडिंग के जरिए चंदा इकट्ठा करना सही है या गलत, इसका फैसला सरकार करेगी, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से शायद यह गलत नहीं होगा। वैधानिक तरीके से अगर क्राउडफंडिंग हो तो बहुत से प्रत्याशी लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर चुनाव लड़ने का मन बना सकते हैं।
चुनाव लड़ने या कोई राजनीतिक पार्टी संचालित करने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए लिए गए चंदे को जायज ठहराना बात की बात है। हो सकता है सरकार इसको लेकर कुछ नियम कानून बना भी रही हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या क्राउड फंडिंग किसानों की समस्या दूर करने के लिए नहीं ली जा सकती? देश के लाखों गरीबों के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग नहीं हो सकती? उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए पैसे देते हैं, वो देश के अन्य लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी पैसे देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो चंदा देने वालों पर उंगली उठने में जरा भी देर नहीं लगेगी। लोग सहज ही मान लेंगे कि चंदा देने के बहाने कुछ ना कुछ खेल हो रहा है।